हेलो स्टूडेंट्स। सो जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पहले वीडियो में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का कॉज क्या था, उसका आउटब्रेक कैसे हुआ था। हमने उसमें जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फ्रांस में कौन कौन से किंग ने रूल किया, लुइस 14, लुइस 15, लुइस 16 तक हमने पढ़ा था। लुइस 16 के बारे में हमने पढ़ा कि उसको जब वो राजा बना उसको एम्प्टी ट्रेजरी मिली, कोई वेल्थ नहीं थी उसके पास, तो उसने सोचा कि अपने एक्सपेंसेस को ओवरकम करने के लिए मुझे टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। तो टैक्सेस किसके बेसिस पे लिए जाते थे, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर होता था। सोसाइटी को डिवाइड किया गया था तीन क्लासेस में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टू स्टेट्स से टैक्स नहीं लिया जाता था, ऑल दो दे वर रॉयल बट दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। तो सिर्फ थर्ड स्टेट से जो है टैक्सेस लिए जाते थे। तो इस बार जो है लुइस 16 ने भी सोचा कि वो टैक्सेस को बढ़ाएगा, लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए मैंने आपको बोला था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी उस टाइम पे, कि कोई भी डिसीजन अगर किंग ने लेना होता था, तो वही अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे कि मोनार्क जो है टैक्सेस को बढ़ाने का जो लॉ होता था उसको खुद डिसीजन जो लेना होता था वो खुद इम्प्लीमेंट करता था या उसको डिस्कस करना पड़ता था। तो यही है कि उसको खुद वो डिसीजन नहीं ले सकता था। इसमें लिखा भी है कि उसको तीनों स्टेट्स को बुलाना पड़ता था, एक मीटिंग होती थी और वहाँ पे मोनार्क जो है डिसीजन लेने के लिए उसको तीनों स्टेट से वोट जो है हासिल करने पड़ते थे। तो जिस के फेवर में वोट आता था वही डिसीजन लिया जाता था। तो लुइस 16 ने भी ऐसे ही किया, ये जो उसने डिसाइड किया था टैक्स बढ़ाने के लिए, तो उसने मीटिंग बुलवाई, जो कि लास्ट टाइम हुई थी 1614 में। तो अब होने जा रही थी 5 मई 1789 को। लुइस 16 ने असेंबली बुलाई स्टेट जर्नल्स की ताकि वो पास कर सके प्रपोजल, ताकि न्यू टैक्सेस को इम्प्लीमेंट किया जाए। एक हॉल होता था उसको रेस्प्लेंडेंट हॉल बोलते थे, जो वर्सलीज में लोकेटेड था। यहाँ पे कई डेलीगेट्स आए और फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग और थर्ड स्टेट के लोग भी। अब क्लास के हिसाब से ही इनका सीटिंग अरेंजमेंट भी होता था। जो फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग थे, दे वर फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। वो आमने सामने थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉयल पीपल। बट और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर कितना था, 300। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका नंबर था 600, बट वो बाहर ही खड़े थे। द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, तो वो बाहर ही खड़े थे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर ऑल्दो ज़्यादा था। तो हमेशा क्या होता था कि वोटिंग के टाइम, चाहे भले ही 300 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के, तो उनका वोट जो है एक एक ही काउंट किया जाएगा। जैसे थर्ड स्टेट का नंबर फर्स्ट और सेकंड स्टेट से ज़्यादा है, लेकिन उनका वोट जो है वो एक ही काउंट किया जाएगा। वो ऐसा क्यों है, फर्स्ट स्टेट का वोट एक, सेकंड स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनका वोट एक गिना जाएगा। तो ये ऑब्वियस सी बात थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग तो किंग के फेवर में ही वोट देते, तो उनको तो कोई नुकसान हो नहीं रहा था। थर्ड स्टेट के लोग तो ऑटोमेटिकली जो है डिसीजन उनके फेवर में नहीं आता, किंग के फेवर में आता। तो इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, इस बार किंग चाहता था कि जैसे हमेशा वोटिंग होती है जिस प्रिंसिपल के बेस पे, वो प्रिंसिपल क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। लेकिन इस टाइम लुइस 16 डिटरमाइंड था टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने डिमांड किया कि इस बार इस वोटिंग पैटर्न को, इस प्रिंसिपल को चेंज किया जाए, एक सदस्य का एक वोट काउंट किया जाए। ऐसा नहीं कि 600 मेंबर्स का आप एक वोट काउंट करो। दे वर डिमांडिंग दैट ईच इंडिविजुअल
मतलब वन वोट वन वैल्यू ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये आइडिया जो है उन्होंने कहाँ से फॉरवर्ड किया था, रूसो एक पॉलिटिकल फिलासफर हैं, उनकी बुक में, उनकी बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ से उन्होंने ये आइडिया बोरो किया था। सो जैसे ही किंग ने बोला कि वोटिंग की जाए, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने डिमांड किया कि इस बार वोटिंग पैटर्न, वोटिंग प्रिंसिपल को चेंज किया जाए। तो किंग ने मना कर दिया, किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोज़ल। सो थर्ड स्टेट के लोग जो थे वो गुस्से में आके असेंबली से बाहर आ गए और वो प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए। सो ये जो थी, जो हमने पहले पढ़ा था कि 14 जुलाई को ऐसा हुआ था, इस तरीके से जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू होता है, ये मई की बात है। उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड स्टेट के, जो लोग थे, वो खुद को कंसिडर करते थे स्पोक्समैन कि हम जो फ्रेंच नेशन है, हम उसकी भलाई के लिए सोचेंगे, तो वो खुद को कंसिडर करते थे स्पोक्स पर्सन जो हम बोलते हैं। तो 20th जून को एक दूसरा इंसिडेंट पेश आया, यही लोग जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये असेंबल हुए एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जो वर्सलीज में है, और उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम नेशनल असेंबली। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नेशनल असेंबली किसको बोलते हैं, नेशनल असेंबली मींस पार्लियामेंट, जैसे हम अपने इंडिया में बोलते हैं पार्लियामेंट, और उसके पार्लियामेंट में जितने भी मेम्बर्स हैं उसको हम अपनी नेशनल असेंबली कंसिडर करते हैं। सो विदाउट इलेक्शन उन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया नेशनल असेंबली, मतलब वो किंग को टोटली अपोज़ कर रहे थे, उसके डिसीजन को भी अपोज़ कर रहे थे। वो एक किस्म की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। और उन्होंने ये कसम खाई कि वो डिस्पर्स नहीं होंगे और वो ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मोनार्क की पावर को हम, उसकी पावर पे लिमिटेशंस लगाएंगे, ताकि ऐसा हम लॉ बनाएं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा संविधान बनाएं जिसमें मोनार्क को जो है एक्सेस पावर ना हो। तो ये जो उनका डिसीजन था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और जो भी वो प्रोटेस्ट कर रहे थे टेनिस कोर्ट में, इनका जो लीडर था उसका नाम था मिराबू एंड एबी साइस। ये दो ऐसी पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने इस रेवोल्यूशन को, इस प्रोटेस्ट को लीड किया। फिर मिराबू, अगर को मैं दोबारा पूछूं कि मिराबू कौन था, मिराबू वाज बोर्न इन अ नोबल फैमिली। ये इस प्रोटेस्ट का लीडर था जो जून 1789 में, सॉरी मैं खुद भूल गई थी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जहाँ पे एक तरफ प्रोटेस्ट हो रहा था वहीं पे दूसरी तरफ नेशनल असेंबली, मतलब किंग और उसके फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग बिजी थे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। भले ही प्रोटेस्ट हो रहा है साइड बाय साइड, लेकिन उनको जी अपने लॉज इंप्लीमेंट करने हैं, तो वो बिज़ी थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। लेकिन यहाँ पे जो कंट्री में हालात थे वो बद से बदतर हो रहे थे। यहाँ फूड की शॉर्टेज थी, प्राइसेस जो हैं चीज़ों की काफ़ी हाइक हो गई थी, खास करके जो ब्रेड, जो एक नॉर्मल चीज़ होती है, उसकी प्राइस इतनी बढ़ गई थी, लोगों को ग्रॉसरी शॉप्स के बाहर, बेकरी शॉप्स के बाहर लंबी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था, क्यूज़ में खड़ा होना पड़ता था, तब जाके उनको चीज़ें मिलती थी। तो कंट्री में एक किस्म की फूड क्राइसिस भी चल रहे थे, और इकोनॉमी भी जो है कंट्री की काफ़ी डाउन जा रही थी। लेकिन किंग और उसके जो लोग थे, ऑफिशल्स थे, वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, 14 जुलाई की अब इंसिडेंट जो है हम पढ़ेंगे। 14 जुलाई को क्या हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो गए, ये जो एजिटेटेड क्राउड था, इन्होंने बैस्टिल जो जगह मैंने आपको बोली थी उसको डिस्ट्रॉय किया, और पूरी कंट्री में ये र्यूमर फैल गया विलेज टू विलेज की जो किंग है वो, उसने हायर किए हैं बैंड्स ऑफ बैरिगेड्स, मतलब प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। तो ये जो पीजेंट्स थे विलेजेस में, इन्होंने क्या किया, ये डर के मारे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया
जो नोबल पीपल थे, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, और जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो नोबल फैमिलीज़ के लोग थे वो डर के मारे अपनी जगहों से माइग्रेट उनको होना पड़ा बिकॉज ऑफ द फेयर। मतलब अब लोग बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो चुके थे। तो फिर क्या हुआ, फाइनली लुई 16 को लोगों के सामने झुकना पड़ा एंड उसने बोला कि हाँ, मैं नेशनल असेंबली आपकी एक्सेप्ट करता हूँ, जो भी आपने खुद को डिक्लेयर किया है, और आपके हिसाब से हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो ये जो चीज़ है इसको इन्होंने फाइनली जो है एक्सेप्ट किया 4 अगस्त 1789 को। दैट मीन्स किंग ने एक्सेप्ट की उनकी डिमांड्स, और जितने भी टैक्सेस वगैरह थे, टैक्सेस यहाँ दो किस्म के थे, टिथ्स एंड टिल्ला, ये दो किस्म के टैक्सेस थे, ये आपने याद रखना है। तो इन टैक्सेस को भी अबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बनी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।